एनीवे अच्छा सो स्टार्ट ऑफ विद मेरे ख्याल से हम लोग उस दिन हमने ये शायद ये शो नहीं किया था जब आमिर लियाकत की मुलाकात हुई इमरान खान से वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ गए हुए थे मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल आग लगी हुई है मुल्क के अंदर ठीक है उसको कोई कभी वो कह रही है मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा कभी मैं ये नहीं करूंगा और आपने उस बंदे को वहाँ पे बुला लिया है जो कि जैसे ही वो जो कायद उनके हैं क्या नाम है मतहद के अल्ताव भाई। अल्ताव भाई। अल्ताव भाई। अल्ताव भाई मां से रिलीज हुई उसी दिन करनी नहीं उनके बयान बड़े खतरनाक आ रहे थे हाँ, आफिर हाँ। भाई खान साहब लें फिर मैं कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है अच्छा एक जाहिर है जो शर्ट पहन के गए बीच से गए हो हाँ नहीं बेसिकली उन्होंने वो शर्ट पहन के साबित कर दिया था कि होएगा तू पीएम ठीक है मेरे आस्ते है खेड़कूड तो बहुत कुछ नहीं है हाँ, ऐसे दूसरा ये है कि वो जो साथ बेगम को लेके गए हैं ना वो भी बड़ा कमाल है कि हाँ। वो लोगों का होता है ना कि यार वो आज पीएम नु मिलन जाना है वो यार वो बड़ी वाली गड्डी काट लो तो जबरदस्त है और तीसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि वो खान साहब ने मतलब वैसे जाहिर है खान साहब भी अब बहत्तर साल के हो गए हैं उनको भी अंदाजा हो गया होगा लेकिन ये है कि शायद खान साहब ने सोचा हो कि आके कोई बहुत अंदर की बात बताएंगे <laughs> और कुछ नहीं मेरे हक हाँ में जा रहा तो यही कुछ मिल जाए कोई टिप्स ही मिल जाए यहाँ पर ओह नो तो नहीं लेकिन वो तो है मतलब देखें मैं आपको तो अंदर की बातें होती तो हैं आमिर भाई के पास उसकी वजह ये है कि जिस मर्जी की हुकूमत हो जो मर्जी अपोजिशन में हो हाँ। आमिर भाई कुछ ना कुछ होते हैं और कुछ नहीं होता तो व्याहते होंगे ही रहते हैं जेड़े मर्जी है कुम्मा तो जेड़े मर्जी होता मिल जाए उन्हें हाँ। व्याह होंगे रहने ने तो जबरदस्त हाँ पता

बोलता दोबारा हा? हाँ तो वो ये है कि मेरे ख्याल में अगर किसी की जिंदगी पे किताब लिखी जानी चाहिए ना तो वो आमिर भाई लियाकत है लिखें आप हाँ उसकी <laughs> वजह ये है कि यार आप देखें <coughs> हाँ. ठीक है एम क्यू एम से वो बंदा मिनिस्टर बन गया हुँ. अच्छा उसके बाद वो टेलीवेंजलिस्ट बन गया या। जब वो टेलीवेंजलिस्ट बन गया तो उसने कहा कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ अब आपको पता है कि एम क्यू एम किस दौर की एम क्यू एम उसमें जा, जाते तो शायद आप अपनी मर्जी से थे निकलते आप अपनी, अपनी मर्जी, मर्जी से नहीं थे फिर आप बिल्कुल ही निकल ही जाते थे तो वो वहां से निकले ठीक है मतलब हमने क्या कुछ फिर भी बातें हम बात <coughs> जाएंगे पर हमने क्या कुछ सुना कि क्या कुछ ऑर्डर हो चुके पर वो निकले अच्छा उसके बाद फिर जब उन्होंने चैनल हॉपिंग करनी शुरू की तो वो भी मतलब एक दौर वो था कि इनको लेके आते थे रमजान ट्रांसमिशन में और इनको ना एक देते थे फिगर बिल्कुल ही अनबिलीवेबल किस्म का कि हम ये टारगेट अचीव करके दिखाओ आ, आ, हाँ, ये टी आर पी और का ना इतने इश्ते और ये। और ना इस पर उनका बोनस होता था वो भी एक अजीब व गरीब अमाउंट होती थी और चैनल उनको ले कर इसीलिए आता था ये डील करते थे तो वो ना <coughs> चैनल को होता था कि ये जो मैं टारगेट रखने लगा ना ये हो ही नहीं सका सकता तो इसलिए मुझे इसको ये कुछ देना भी नहीं पड़ेगा ये सत्रवें रोजे में टारगेट अचीव आप उनकी हरकत में भी तो देखते ना वो हर तरह का रिस्क ले जाते थे कि हर भी, भी पूरे करने के लिए ठीक अच्छा, है फिर उसके बाद इन्होंने जब वो बहुत ज्यादा इन पे होना शुरू हो गया कि जी आप कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर हाँ। जाते हैं फिर ये आए इन्होंने दो घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन की और उसमें ये एक ऐसा जुमला बोल गए जो मैं यहां पे इस वक्त नहीं बोल सकता उसकी वजह यह है कि हम पे ना हमला हो रिमेम्बर हाँ, oh हाँ तो yeah. ये, ये इतने इनके अच्छा फिर ये उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं वापस से आ सकता अच्छा फिर सीट भी निकाल के मतलब सीट भी कराची से निकाल <laughs> के वो exactly. भी पीटीआई के टिकट पे निकाल के फिर वही बात है कि

हाँ उन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी कि हाँ। मैं मेरे पास सबूत हैं कि वहाँ पे मुर्गियाँ जलाई जा रही हैं अच्छा अब इसकी ना दो ही आउटकम मतलब दो ही इसकी वजूहत हो सकती हाँ। हैं एक तो ये कि उनके पास एक्चुअली सबूत है जो वो कह रहे हैं कि <coughs> मेरे पास है वहाँ पे <coughs> जलाई जा रही है <coughs> जा रही है ओके फाइन और दूसरे ये है कि किसी ने उनको आके अभी बताया और उन्होंने बगैर डबल चेक किए आगे चला दिया ठीक है अच्छा अब हमें तो नहीं पता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं बट इन एनी केस मैं एक बात वसूख से कर सकता हूं हुँ. कि इस वक्त पूरी पीएमएलएन में कबरा पै गया होगा उसकी वजह यह है कि यार ये एक्चुअली ना ये इस्टेब्लिशमेंट से इतना नहीं डरते ये अमेरिका से इतना नहीं डरते जितना कि जादू से डरते ये ना ही पाकिस्तान में बड़ा सीख है <laughs> कि मेरी बर्बादी हो ही जा तू नाले आप पे कुछ मैंने कीता सी जादू होया सी ते मेरा सिस्टम जेड़ा ना फॉल होया सी सो यार वरना तु... मैं तो खुद अल्लाह मियां के पास बैठ के नसीब लिखवा के आया था मैं कैसे फारिग हो सकता तू कीता ते मेरा बेड़ा खरक होया दिस इज वेरी राइट वेरी वेरी राइट अबाउट दिस बट मुझे ना The entire thing goes, poultry forms, वो हमारा एक दोस्त अली जान जिसको मैं अन करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ शो में भी उसको आ, उसको तो मैं बहुत अरसे उसका अपना शो शुरू करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा वो बोलता है कमाल आदमी उसका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त है वो कहता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है ना किसी किस्म का किसी किस्म की पोलिटिकल साइंस की थ्योरी कोई चीज ना इसका अहाता नहीं कर सकती इसके लिए सिर्फ नावल चाहिए <laughs> जहां पे जादू और नसीब और आजमाइी और, <laughs> और बिजलियां जो है ना पे जाके जो है ना पीक पीक एक्सप्लेनेशन सिर्फ उसमें उस हाँ, नहीं वो मतलब हम कर तो देते हैं कंक्लूड लेकिन पता पुता कुछ <laughs> नहीं किसी <laughs>

फॉर्मर सी जो है पंजाब के उनके रिकॉर्ड्स लेकर आओ जो फेसिलिटेट किया जा रहा था वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए वो डिटेल्स में से गुजरा उसके बाद उसे डिसाइड किया कि मेरी जो सिक्योरिटी फोर्स है ना नफरी बढ़ाई जाए और उसके साथ उसे ये कहा है कि मेरी दो गाड़ियाँ भी ऐड इन आग लगी है बस्तीज बुजी अपनी मस्तिष लाइक उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो जा सकता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन वो तो शायद वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो जो एक्स सी है उसकी मरात भी देख रहे होंगे ना हाँ। कि, कि, कि ये ना हो कि मैं से कम चीज़ें लेके जा रहा हूँ एक बार चेक कर लोड़िया

कि इन्होंने ये भी प्रोविज़न डालने की कोशिश की थी कि हर अब से और बल्कि इसमें फटा ही तब ये पड़ गया था कि बाकी पार्टियों ने फटा डाल दिया क्योंकि बाकी पार्टियां ये कह रहे थे कि जी यहाँ तो ये डाले ही ना और अगर डाल रही हैं तो फिर ये अब से ना करें ये फिर पिछले वालों को भी करें कि हर एक्स सी को लाहौर में घर मिलेगा <laughs> कंजर खाना लाया या सारे आने ये तो मेरी दुखती राग है ना राग का जो बात है तो वो सारा कुछ बोल रहा है दूसरा ये कि अब ये ना फोर्टी टू की न्यूज़ है तो अगर ये गलत है तो आपने हमें कुछ नहीं कहना <coughs> ले मैंने आपको सोर्स बता दिया उस न्यूज़ के मुताबिक सामान सी एम हाउस से काफ़ी सारा शिफ्ट हो रहा है शुरू हो चुका है और फाइलें हैं जो कि गायब की जा रही हैं और ये भी चले ठीक है आपको दोनों बातें समझ आ गई सही <coughs> गलत समझ तो आ गई ना सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की जा रही है की कर दे रहे होते ओह शिट ओह शिट तो अगर ये खबर गलत है ना तो आपने हमें कुछ नहीं कहना हमने आपको सोर्स दे दिया भैंस की दो चल चलिए देखिए तो सही कि चिकन निकलता है उधर कानून बड़ा नहीं देता टेम hmm. वाओ चलो देखते हैं अल्लाह करे लीक हो जाए कोई इससे पहले लीक करते ना मैं तो लीकों पे बैठी हुई देखो को कोई लीक हो जाए कहीं से मुझे ना चीजें मिले कहीं से

ट्रेनें बुक करा ली हैं अपने जलसे के लिए वो वहाँ से जो है इस्लामाबाद पहुँचेंगे जितने सारे बंदे हैं और वो ट्रेनों के ऊपर जा रहे हैं मतलब तो ट्रेन पर सफर करने वालों को हम कह दें कि अपना किसी और तरह इंतजाम करें क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनें बुक करवा ली हैं नहीं वो बड़ी अच्छी बात है <coughs> सिर्फ प्रॉब्लम ये कि मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि लाहौर जो दस से बारह ट्रेनें रोज आ रही हैं हाँ। उनमें अरसा ही हो गया कोई भी टाइम पे ना आई है ना निकली है <laughs> तो अगर आप जा रहे हैं जो कि आप जरूर जाएं हम आपको हाँ। डिस्करेज नहीं कर रहे हैं <coughs> लेकिन है। ये सोच के जाएं कि टाइम पे नहीं चल पाएगी <coughs> हाँ। नंबर एक चीज़ नंबर दो चीज़ ये कि वो खैर मैं ट्विटर पे लिख चाहूंगा लेकिन इसमें भी यकीन करें चीजें वाला मसला नहीं है मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पे सॉलिडेरिटी भी दिखाना चाहता हूँ खान साहब के साथ मैं खड़े होकर सुनना भी चाहता हूँ सिर्फ मेरा डर वही है कि अगर खान साहब ने कहा ना कि मैं आपको बताता हूँ मैं सियासत में क्यों आया <laughs> तो मैंने अपनी नस आई <laughs> मेरी हो गई है बस काट दे मेरी कोई नस वाला सीन है अच्छा वैसे <coughs> ना

गैंग्स वो फिजिकल गैंग्स तो हैं लेकिन जो लफाजी के अटैक है ना वो जो स्टैब्स इस वक्त लग रहे हैं रोज़ तो आर रियली मतलब बहुत डेरिंग हो रहे हैं इस टाइम पर अच्छा जी सो आ, इसी के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि साउथ पंजाब जैसे ही हुकूमत आई थी उन्होंने कहा था हम सुबह बनाएंगे जैसे नाइन्टी डेज़ तक इंतजार किया इसने हैश टैग चलाए क्योंकि ये बाबलपुर की पदार्शा सारे गुड़े गिट्टी बैठे हुए हैं हर दफ़ा बहुत अच्छा इसने उसको तो फॉलो अप किया लेकिन वो नहीं हुआ लेकिन अब फाइनली फाइनली इस क्रूशल टाइम पे हुकूमत ने कहा कि हम प्रजेंट करें नेक्स्ट नेशनल के सेशन के अंदर कि इसकी करारदा जो है मंजूर दी जाएगी और साउथ पंजाब जो है वो सुबह बन जाएगा हुएगा वादे क्या हुए तुम्हारे वाद चांद से उतारे वादे यूं ही थे वो सारे वादे हो गए हवा थोके, खाए है ये कैसे धोके बात बात पे ये धोके सादगी न पाए थोके यही थी खता झूठे ख्वाब थे ये झूठे टूटे कांच होके टूटे छूटे एतबार टूटे और क्या देखे वक्त के तमाशे देखे, देखे, इसे देखे के दिलासे देखे दर्द अच्छे खासे और क्या ओह बेबी क्या ये क्या बस... हर थोड़ी देर बाद कोई नई उंगली छोड़ देते हैं साउथ पंजाब सूबे की बनता है नहीं मेरे भाई ने वैसे इस बड़ा अच्छा मशवरा दिया हमने कहा साउथ पंजाब इको सूरज बन सकता है कहते पहले नॉर्थ पंजाब बना लो फिर जो रह जाएगा साउथ है तो सकते ना ग्रेट, ग्रेट आ, वेरी ये मैं मैं आपको वो एक एक बार याद याद है शो में मुझे नहीं पूरी कहानी मैंने सुनाई सुनाई थी कि नहीं थी लेकिन तुम्हारे सामने फड़ी मार रहा था कि मैं जावेद अख्तर साहब से मिला अक्सर उनके बेटे पे फुल पागल हो रही थे तो दिल को ही लेके बैठ गई चलो

ये सोच के लिखा कि जावेद अख्तर अगर लिखने बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे अच्छा। तो मुझे कहते हैं यार अब अगर गाना नहीं पसंद आएगा तो इसका मतलब मैं ही नहीं अच्छा लिखता <laughs> <laughs> तुमने अजीब सी शर्त रख दी <laughs> नहीं, नहीं सोना गया <laughs> <laughs> <के ने सुनाओ। laughs> तो मैंने तब उन्होंने फिर मतलब मुझे से कोई एतबार अच्छा तो तो नहीं होता मोस्टली कह रहा है कि दफा हो हाँ। लेकिन अगर कोई बंदा उसमें वो करना शुरू कर देना कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि यार अच्छा गाना है एक मेरा मशवरा करनी करनी आपने अपनी मर्जी मशवरा मेरा एक है कहते हैं इसकी जो तीस वो कहते हैं कि इसकी जो तीसरी लाइन है ना वो दूसरे नंबर पे ले और दूसरी वाली तीसरे नंबर पे ले जाओ तो मुझे उधर से वोगे, लगा वोगे, के वोगे वोगे, से लगा बहुत यही तुम अगर कंगी कर लिया करो या मुंह ना तो ये बातेंट लोग नहीं करेंगे इस बात कि अलग कैसे कर सकता है अच्छा अली अगर तुमने जाना है ना इमरान खान के उस पर तो तुमने वो वाला बोर्ड लेके जाना है जिसको मुराद रास लगा के बैठा <That's एब्सोल्युटली नॉट laughs> तो <थे, laughs> <"Absolutely not." laughs> <laughs> कौन सा नशा था वो लिटरली कि वो बंदा खड़ा हुआ पॉइंट कर रहे हैं और उस पर लिखा है एब्सोल्युटली नॉट और इमरान खान की तस्वीर है मतलब लेकिन <clears throat> तुमने लेके वही जाना वो तुम्हें याद है कि कल तुम शायद किसी इवेंट पे जा रहे थे जिसमें मुरादराज़ ने आना था या व्हाटएवर जी हाय तो उस मैं तुम्हें एक सवाल देना चाहता था फिर मैंने कहा यार छोड़ो क्या फड्डा पड़ जाएगा उधर कि मुराद रास साहब पता है ना कि मेरे हल्के के हैं एक बारी नहीं आए <laughs> 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 क्यों नहीं आए <laughs> <laughs> पहले बताता मैं पूछती थे मैं कहती मैं इस थी मिस्टर कैमियो तुमने कहला तो सही मैं बुला लेती बेचारे को बट यार आई वाज आई कॉन्ट से आई एम सॉरीफिडेंशल आई कॉन्ट से अच्छा जी तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आज हम लोग टेस्ट मैच आ गए ठीक है और उसके अंदर हुआ ये कि मतलब आज ना सारा दिन प्लेयर्स नहीं ट्रेंड हुए अंपायर्स ट्रेंड हुए थे और शुरू में ये हो कि रिजवान आउट नहीं थे अलीम डार ने उनको आउट दे दिया और उसके बाद रिजवान ने रिव्यू नहीं लिया विच वॉज अ मेजर ब्लॉट आस बना हम लोग शायद जी जी इतने जाते ड्रॉ तो ही करते थे कि वो खड़ा रहता

मैंने तो खैर वो <coughs> देखा नहीं मैच मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकता <coughs> तो लेकिन ना उसमें कुछ मोमेंट्स थे जैसे के वो जब शाहीन ने आउट किया है तो वो मीच मीच गया है तो दोनों का हैंडशेक हुआ है फिर वो शाम की एक तस्वीर आ गई कि यूं करके जफियों की तो ये ना बेसिकली मैं बुराई नहीं कर रहा नहीं नहीं ये जो है ना। उम्रों में बहुत छोटे है ना हमसे, हाँ, तो।, हमसे तो बहुत है। है जनरेशन <laughs> इनका वो फैन कैम्स <laughs> 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 बनेंगे अब सारे के सारे सो so, या yeah, अच्छा उसमें एक मीम भी बन गई हुई थी अली तुमने मेरे ख्याल से वो देखी नहीं जिसके अंदर ये वार्नर को हाथ मिला रहा था ना शाहीन ठीक है उसके साथ यूं था पीछे से ना रिजवान की शक्ल थी

पिचेस वर रियली बैड वो तो बहुत ज़्यादा कॉमेंट आया था so, सबने कहा पी आर गेम बॉय की बहुत स्ट्रॉग है लेकिन द पिचेस आर रिडिकुलस एनी वेज अब हो गया अब क्या किया जा सकता है खुवान हमारी खेल रही है आज भी उनका मेरे ख्याल से इंग्लैंड के साथ मैच था मैंने अभी जाकर अपडेट देखनी कि क्या सीन हुआ है वहाँ पर अच्छा अच्छी कलमा चौक जो है ना जिन लोगों को नहीं पता कि कलमा चौक एक बहुत ही सेंट्रल आ, हैसियत रखता है कलमा चौक लाहौर के अंदर और ये इसके इर्द गिर्द ही पाया जाता है अक्सर तो कलमा चौक का पहले अंडर उन्होंने बनाया अब वो कह रहे हैं कि अंडर को मजीद एक्सटेंड किया जाए और जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है

बनाने से पहले ना एक दफा उसका नक्शा हमें दिखा दे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आएगा इधर से यूं जा रहा है फ्लाईओवर और यूं जा रहा है अंडर पास हाँ. वो और ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे हाँ। है। ये इधर आके बिल्कुल दरमियान में गिर जाएगा <laughs> उसका हाँ? गिरने के बाद इसमें क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रही है और उधर एलिवेटेड एक्सप्रेस भी बन रही है मतलब

ऊपर <coughs> से मैं अक्सर वो लगा सनतारोड अच्छा 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 कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्होंने ना उसमें आवाज चेंज लड़की की आवाज चेंज करके लड़के की लगाई होती है भाई। हाँ, इतना भी क्या बीवी से डरना <laughs>

आ, इन जज साहिबान से क्रेडिट नहीं लेना चाहिए उसकी वजह ये है कि यार <coughs> मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि इस तरह के तो कितने केसेस होते होंगे और दूसरे ये इन्होंने किए होंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये तब लगे हुए थे उस्मान साहब इसका मतलब है कि ये शायद पहली दफा नहीं कर रहे थे हाँ, 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 हाँ। यार वैसे कैमरा क्या खूबसूरत चीज है कि के कैमरे पे आ गए और पूरे मुल्क का मतलब बन गया कि होया क्यों यार क्या बात है कैमरे की सही बात है बाकी इसमें कोई एडमिसिबल वाला तो इशू नहीं था ना कि वीडियो एविडेंस एडमिसिबल यार इस तरह की कोई इसमें तो नहीं था इसमें नहीं, नहीं था, था ना आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ हम लोग जो भी आ, अंग्रेजों तो था जो भी को दे कोई था कि हम लोग वो देखते हैं कोई माफ तो कर दे, दे तो कर दे टाइप से अच्छा जी नेक्स्ट जो खबर है और बेसिकली खबर कोई नहीं है लेकिन मुझे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी दो तीन दिन पहले ना आ, के पी के असम्बली के अंदर बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी पी टी आई और अपोजिशन वो सारे आपस में बात कर रहे थे अबाउट नो कॉन्फिडेंस वोट एंड एवरी थिंग खातू एक बात कर रही थी और वो ना उनका रैट्स कह रही थी चूआ कह रही थी जैसे उनके मुँह से चूहे की आज गई ना उन्होंने चूहा बोला साथ ही असम्बली में बिल्ली आ गई

पालतू तो बिल्ली को दिखा भी दो वो मुड़ के कहीं और हाँ, नहीं वो खाती तो नहीं है क्या उसको मारती भी नहीं हाँ। पालतू तो बिल्लियों से ज़्यादा हाँ। बहुत, बहुत प्यारी और देख रहे <laughs> बहुत, no, <laughs> बहुत, <प्यारी है। laughs> बहुत प्यारी होती है उनको ऐसे हाथ फेरने का मन गुजरते जब भी आप उनको हाथ फेरना चाहते हो आप चाहते हो कि नहीं वो आती ही नहीं नहीं आती ना एटीट्यूड होता है तुम थोड़ा हौसला करो तुम ना जानवर बन जाओ आगे से कि नहीं मेरे पास आओ थोड़ा टाइम निकाल के लेकिन मुझे मेरा दिल हर्ट हुआ नहीं, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती जो इसने कहा है इस टाइम पे बहुत अफसोस हुआ अच्छा गाइस एक खबर ना मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर प्राइस कंट्रोल जो है रमजान से पहले मजिस्ट्रेट्स की जो है वो ड्यूटी होती है लेकिन उससे मजिस्ट्रेट्स जो है वो पंजाब के अंदर कम पड़ गए हैं तो सरकारी मुलाजमन को वहाँ पर लगाया गया है सत्तरवें अठारहवें उन्नीसवें खरीद के कि जाके प्राइसेस पे कंट्रोल करें ये रमज़ान के लिए हाँ। इसमें एक और खबर भी ऐड कर लें वो एक और ख़बर ये है कि टीमें तश्कील दी जा रही हैं जो के रमज़ान में इंश्योर करेंगी गैस की बिला तातुल फ्रामी वो की सुंगन दी मैं क्या उधर बेच ऐ जो रमजान से जाके करने हैं होने कर लो ताकि रमजान से जरूरत ही ना पड़े एक्जेक्टली मतलब अब तो क्यों आपने क्या घर घर जाएंगे आप वो तो तो रात को बजे बजे भी गैस जा सकती है है के बाद तो वैसे ही शुरू हो जाती हाउ आर इमरान खान साहब ने यून पे और मैने आपको बताया था वो अप्रूवल हो गया नेपरावर तो उधर उन्होंने लेकिन उन्होंने क्या ये सबको नहीं मिल रहा तुम्हें नहीं है ये मतलब एक तो कमर्शियल के लिए नहीं है दूसरा ये जो है वो फैक्ट्रीज के लिए नहीं है तुम्हारे लिए भी नहीं है ये सिर्फ सिंगल यूनिट वाले सिंगल फेज वाले को ना 690 यूनिट 699 यूनिट्स तक में रिलीफ मिलेगा अगर सिंगल यूनिट्स वाला भी ऊपर जा रहा है तो उसको भी नहीं बड़ा बिल आना है एसी हाँ। सी लगना शुरू हो गया मेरी पड़ी। <coughs> है, anyways, अच्छा जी नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कुब्रह खान की खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पे मैं लानत भेजती हूं सोशल मीडिया एक लानत है इससे पहले उन्होंने कहा था मैंने मर्द से शादी भी नहीं करनी है मर्द भी जो है बहुत फारिक होते हैं बहुत इनके ना वैसे स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये मैंने नोट किया है प्यारी बड़े हैं लेकिन ना बहुत आराम से रूल करके बोल जाती हैं कि लो हाँ मर्द पे तो खैर मुझे कोई मसला <coughs> नहीं उनकी बात से लेकिन ना इससे है हम्म <coughs> हम्म और उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं ना वो आ, बहुत इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं वो देखते हैं कि अमारत वो फलाना देखते हैं वो देखते हैं लोग बड़े अच्छे मूड में बैठे हैं कौन से नहीं मुझे तो कोई मैं तो कोई मैं रोना हाँ, पिटना ही पड़ा होता है के, के? इस वजह से ना वो कहते हैं कि लोग इसकी वजह से कंटेंटमेंट नहीं होती जिंदगी में अच्छा एक तो मसला ये है कि ये इस तरह के बयान में मुझे जो पहला मसला होता है ना वो ये है कि यार मैं तुम और ये जो भी हैं हम लोगों का तो रोजगार ही खत्म हो जाए अगर सोशल मीडिया ना हो हाँ, तो मतलब क्या कर रहे तो हैं आप क्या कर रही हैं ऐसे तो ना मैम हाँ, करें ना हमारे साथ दूसरा ये है कि यार वो ठीक है एक लिहाज से वो चीज ठीक होगी कि इंस्टाग्राम पे शायद डिप्रेशन होता होगा मैं तो देखता ही नहीं हूँ इसीलिए तुम नहीं देखते हाँ। पता चल गया मुझे मरे आप पे आए नहीं लेकिन वो वो होता होगा कि जी वो दूसरे जो हैं वो सेवन कोर्स मील खा रहे हैं दूसरों के बच्चे यम पम तैयार हुए हैं और दूसरों का सर... मतलब मैं अभी बच्चे को नैपी पहना के आया हूँ और अब मैं ऑमलेट बना रहा हूँ तो कोई ज़िंदगी नहीं है लेकिन फिर भी मस्त है कि जब आप कभी ये तो समझने वाली बात है ना कि हर बंदा अपने 24 घंटे नहीं शेयर कर रहा हर हाँ। बंदा मोमेंट्स शेयर कर हाँ, रहा हाँ, है जो उसको बेहतर लग रहे होते हैं तो दूसरा ये है कि वह जब आप करते हो तो वो जहाँ पर ये डिप्रेशन है वहाँ पे ये भी है कि पहले जब आप कुछ कर भी लेते थे हाँ. तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा अब आप कुछ शेयर करते हो तो डेढ़ सौ लाइक आते हैं <coughs> तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है वो बात दुनिया जितनी मर्जी बदलता जाए इंसान मतलब वही वाली चीज़ें ना एक तो है बुनियादी चीज़ें जिनके बगैर बड़े मसाइल हो जाते हैं मतलब मुफलसी है मुफलसी तो नहीं होनी चाहिए उसके तो

पंद्रह परसेंट गम भी होता है हाँ। मतलब आप किसी को सब कुछ जो वो चाहता है दे दो तो वो फिर भी कोई ना कोई कोई ना कोई ना चीज होने उसको वाली करेगी जगह हाँ। या चीज ढूंढ लेगा हाँ। उसकी वजह ये कि उसने अपना पाई चार्ट वो कंप्लीट करना, करना है बिकॉज <coughs> वही ना इमोशंस तो आप हर तरह कहीं फील करते हैं ये तो नहीं है कि नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया की पे निकालना मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा मसला है और नंबर दो चीज यार सोशल मीडिया के फायदे है मतलब फायदे के अलावा सोशल मीडिया का एक और कमाल ये है कि आप कम सालों में कितनी ज्यादा जिंदगी जी लेते हाँ। मतलब उसकी एक तो मिसाल ये ना कि बिल्कुल ठीक है वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप आ, डेथ बेड पे होते हो तो योर होल लाइफ फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ यू अच्छा वो मतलब अगर आप इमेजिन करें कि द होल लाइफ फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ यू छह सेकंड में ही खत्म हो जाए <laughs> मतलब इंसान की जिंदगी होती क्या है यही है ना कि वो कितनी चीजों में से गुजरा है हाँ. ठीक है उसके इमोशंस के कि वो कितने उतार चढ़ाव थे अच्छा वैसे तो ठीक है कि आप अगर बिल्कुल वेले भी बैठे हुए हो हुँ. किसी दूर दराज इलाके में हुँ. आपके कोई करीब भी नहीं है बात करने वाला भी नहीं है तो जाहिर है आप अपना दिमाग स्विच तो नहीं कर सकते कहीं ना कहीं तो वो चल हाँ. रहा है वो जो भी सोच रहा है उसके मुताबिक आपको खुशी गम जो भी है वो मिल रहा है और गुस्सा मतलब कुछ भी लेकिन वो एक वो एक एक्सरसाइज है जो आप

नहीं वही गुजरा वाला भी किसी का खाना था तो हम पिंडी से बजाय कि मोटर के, हम जीटी हाँ। रोड से आ रहे थे तो वाल साहब ना मेरे हर बता दें अजय फला बस स्टॉप आएगा अजय आएगा आएगा, अस रोज जिथे भी होने सा, असी निकल के फ्राइडे नाइट लाहौर आना संडे मंडे मॉर्निंग सवेरे सवेरे ड्यूटी वापस तो मैंने कहा अच्छा हां देखो ना एथे ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਢਾਈ ਟੱਕਣ ਦੇਖ ਲੋਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਾ تھا ਕਿ ਇਨਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਬੂੜੀ ਵੀ ਲੇਟ ਲੀ ਜਬ ਗਾੜੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਲਾ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਬੈਠੀ आप अगर कोई कड़ी मतलब बुड़ी कड़ी चेक कर लेते कितने घंटे हो गए ने वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो देर हाँ। में चल ही रहा होगा हाँ। हाँ। लेकिन फिर भी अब जो है ना मतलब वो, वो, वो आप कोई कहते हैं ना कि अब किसी के पास चले गए और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया पहले कोई आता था ना तो बहुत माजरत करता हाँ। था तो करते तो अभी भी यहाँ करनी भी चाहिए लेकिन पहले ना दुखता भी बड़ा था कि मैं तेरा वेट कर रहा हूँ तू पागल तो नहीं लेकिन अब ना नहीं दुखता। हाँ। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं भी कर रहा यार बस प्लीज सोशल मीडिया है ठीक है ये देखिए गाने को क्योंकि खान ने कहा

मतलब मैंने देखे भी दो। आप देखें मेरा कमाल कि मैंने माहो को सेंसर कर दिया इस शो में अब भी अगर मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या सितारा है, हिलाल या इम्तियाज नहीं मिलता हाँ। तो... और सेंसर होने के ये था मुझे ये रियासत पाकिस्तान इनाम नहीं दे रही इस चीज का ये पता क्या करता था

मुझे बाकी सब लोगों से ज्यादा अंग्रेजी जो है ना वो मुझे समझ में आती है लेकिन इस वर्ड का जो है ना मुझे समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब था क्या वर्ड था क्या मतलब क्या वर्ड था तुम बता दो मॉडरेशन <laughs> जो है एनु फिर भूल गया है पक्की गुजू है

उसकी वजह है क्या है उसकी वजह यह है कि आप यह कहो जी कि मैं हूं लिबरल वैल्यूज के साथ जिंदा रहने वाला आदमी या मैं ये चाहता हूं कि रियासत को लिबरल होना चाहिए यह बिल्कुल जबरदस्त बात है जब आप कहते हो ना कि इस्लामी रियासत तो फिर इस्लामी रियासत ना तो मॉडरेट हो सकती है ना रेडिकल हो सकती है ना फलाना हो सकता है ना ना हो सकता है इस्लामी रियासत तो वैसी ही होती है जैसी इस्लामी <coughs> रियासत होती है मतलब you उसको don't. आप नहीं ये कर Haan. सकते ट्वीक कि अब ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे कर लेते Haan. हैं नहीं वो तो फिर जो है वो है हाँ सीधी। फिर वही बात हाँ। है, आपने ये चूज करना है आपने लिबरल वैल्यूज हाँ। के साथ रियासत चलानी है या इस्लाम के साथ रियात चलानी है ये ना करे की लिबरल वैल्यूज को स्कूज कर दे या इस्लामिक वैल्यूज को आप कुछ और कर दें, नहीं ट्वीक नहीं हो कर सकता दें, ट्वीक की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर हाँ। वो तो बना बनाया स्ट्रक्चर है आप उसको एज इट इज ही इंप्लीमेंट करेंगे लिटरली नो Anyways guys, uh, this is it for today. जिसको लग रहा है है कि बहुत लंबा हो गया वो अब आपने का गिला इसलिए नहीं करना है क्योंकि जितना कुछ हम बोल सकते थे, तीन किस्तों में <coughs> ने ने मेरा गला में भी अब खत्म हो गया नीड मेरे मजीद नहीं बोला जा रहा तुमने ऑफिस नहीं करना सल्यूट करना है लेकिन ये कह दो लोगों के पैटर्न बने पैटर्न बने प्लीज इस सलमान खान किया